સુરતના હજીરા વિસ્તારના ખાનગી કંપની દ્વારા લેબરો અને કોન્ટ્રાક્ટરને પગાર ના અપાતા કંપનીના ખરબડાટ મચવા પામ્યો હતો। હજીરા વિસ્તાર એટલે કે મહાકાય વિસ્તારથી ભરેલો વિસ્તાર, જ્યાં હજારો હાઈવે ઉપર 13 કંપનીઓના વાહન પસાર થાય છે, ત્યારે હજીરા વિસ્તારની એક ખાનગી કંપનીમાં એક પેટા કોન્ટ્રાક્ટરમાં કામ કરતા અને એક કોન્ટ્રાક્ટરનું નામ છે આરકે એન્ટરપ્રાઇઝ છે, અને કંપનીને હજીરાએ એક MNS હજીરા દ્વારા પગાર ના આપતા આજરોજ આરકે એન્ટરપ્રાઇઝ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરના લેબરો અને પોતે કોન્ટ્રાક્ટરના પગાર ના આપતા આજરોજ આરકે એન્ટરપ્રાઇઝના લેબરો આજરોજ હજીરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ લખાવી છે। આશરે 80 લેબરો દ્વારા કંપનીને અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે। હાલ કોન્ટ્રાક્ટરના લેબરો દ્વારા અમારા પૈસા આપી દો આવી રજૂઆત હજીરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। કંપની દ્વારા અમારા પૈસા ના આપશો તો અમે કંપનીની ગેટ ઉપર હાલ્લા બોલ કરશું એવી આરકે એન્ટરપ્રાઇઝના લેબરો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આપકા નામ? દિનેશ કુમાર મેરા નામ હે, મેં ઝારખંડ સે હું, ઓર યહાં પે હમ લોગો ને કામ કિયા થા કીર્તિ પાવર પ્રોજેક્ટ મેં હજીરા મેં। કોન સી કંપની હે? હજીર એ અપના હજીરા હે, એસઆર હે, એમએનએસ મેં કામ કિયા, और हम लोग यहाँ पे 5 महीने से काम कर रहा है। 3 महीना का टोटल पैसा बाकी है। हमारा कॉन्ट्रेक्टर अपना आरके इंटरप्राइजेस में हम लोगों ने काम किया और आज उनको पैसा नहीं दिया। हम लोग उनसे पैसा लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि कृति वाले ने दिया, एमएनएस वाले ने नहीं दिया। तो हम लोग आज इस पोजिशन हो गया है कि एक महीना से काम बंद है और आज हम लोग यहाँ पे रोड पे रूम मालिक भी निकाल दिया है और हम लोग गेट बाहर में है। आज खाने के बिना परेशान है। आज हम लोग इसके लिए हमारा मांग ये है कि साहब, हम लोग गरीब आदमी है, लेबर यहाँ पर पड़ा है और सामान भी अंदर 1.5 करोड़ रुपए का पड़ा हुआ है। मशीनर है जो अपना कीर्ति पावर प्रोजेक्ट निकालने भी नहीं देता है। गेट पास भी कैंसिल करा दिया है। गेट पास भी हमारे पास पड़ा हुआ है एमएनएस का। कितने महीने से आपका सैलरी बाकी है? 3 महीने से पूरा पेमेंट लेबर का बाकी है। अब 3 महीने का लगभग मेरा 1,20,000 रुपए बाकी होगा। लेबर के हिसाब से लेबर का पैसा बाकी होगा। मैं यहाँ पे फोरमैन के तौर पे काम किया हुआ है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है सर कि मैं यहाँ पेमेंट हो जाए और हम लोग सब यूपी बिहार से आए हैं, हम लोग यूपी बिहार चले जाएं। हमारा कॉन्ट्रेक्टर जो है आरके इंटरप्राइजेस, उसको पैसा मिल जाए। हम लोग उनके साथ जहाँ काम करना होगा वहाँ पे जाके काम करेंगे। और अगर 3-4 दिन के अंदर अगर ये सब काम। जी आपका नाम? राजकुमार सुबेदार सिंह। आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं? सर मेरी कंपनी का नाम आरके इंटरप्राइजेस है। मैं एमएनएस में काम कर रहा था और मैं उसके अंदर कृति पावर प्रोजेक्ट की कंपनी है, उसने मुझे काम दिया था, उसके अंदर मेरा काम चल रहा था। कितना आदमी काम करते हैं और कितना पगार बाकी आपका? 80-90 आदमी मेरे पास काम करते हैं सर, और अभी मेरा इसके अंदर 1.3 करोड़ के आसपास मेरा निकल रहा है उनके पास। कोई आगे कोई ऑफिस का कॉन्टेक्ट किया किसी का? कुंजा भाई अहिर करके थे, अपना कच्छ में बैठते हैं उनका, ये और एक पार्टनर है नयन भाई पटेल और एक है अमोल ठक्कर। और कुंजा भाई अहिर ने मुझे कच्छ बुलाया अपने ऑफिस पे, बोला आ जाइए, आपका जो पैसा निकलता है हिसाब किताब करके मैं दे देता हूँ। वहां जाने के बाद वो मुझे धमकी देते हैं और बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भी फोन करेंगे तो पैसा नहीं मिलने वाला। आपकी क्या मांग है? मेरी सर यही मांग है, जो मेरा पैसा लगा है, जो मैंने वाजिब है मेरा पैसा, मुझे वो मिल जाए, मैं ताकि मेरे लेबरों का मैं पैसा दे दूं और सब अपने अपने घर चले जाए। एग्नेश पटेल साथ समय मीडिया न्यूज हजीरा।